आखिर पीटी उषा ने ऐसा क्या किया कि अंधभक्तों को मिर्ची लग गई? क्या पीटी उषा ने आईटी सेल की हवा निकाल दी? दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। अभी ज्यादा दिन पुरानी बात तो है नहीं, जब आईओसी यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष और पूर्व एथलीट पीटी उषा ने दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने पर एक बयान दिया था। उनके इस बयान के बाद अंधभक्त और आईटी सेल ने खास तौर पर इस आंदोलन को, जो पहलवानों का आंदोलन चल रहा है जंतर मंतर में, उस आंदोलन को पीटी उषा वर्सेस पहलवान करने की कोशिश की थी। लेकिन आज पीटी उषा ने जंतर मंतर पहुंचकर खिलाड़ियों के बीच जाकर जो बात कही, उससे अंधभक्तों को न केवल मिर्ची लगी है बल्कि आईटी सेल के एजेंडे को भी जबरदस्त धक्का पहुंचा है। दोस्तों, अभी ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, जब आईओसी यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा ने जंतर मंतर पर पहलवानों के आंदोलन को लेकर कहा था कि सड़क पर इस तरह से खिलाड़ियों का बैठना ठीक नहीं है, उन्हें पहले बात कर लेनी चाहिए थी। और उनके इस बयान को पीटी उषा ने, जैसे ये बयान दिया था, उनके इस बयान को अंधभक्तों ने और आईटी सेल ने इस तरह से पेश करने की कोशिश की कि देखिए, पीटी उषा ने भी पहलवानों को आईना दिखा दिया, जिसके बाद ऐसा लगा था कि क्या वाकई में पीटी उषा पहलवानों को समर्थन नहीं दे रही हैं, पहलवानों की बात नहीं सुन रही हैं। एक इतनी बड़ी खिलाड़ी जिसने इंटरनेशनल लेवल पर सालों तक भारत का प्रतिनिधित्व किया, भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आई, आज जब वो खुद आईओसी की अध्यक्ष हो चुकी हैं, क्या वो खिलाड़ियों के आंसुओं को नहीं समझ रही हैं? इन सवालों के इर्द गिर्द कई शंकाएं पैदा होती। उससे पहले ही आज पीटी उषा ने जंतर मंतर पहुंचकर साफ शब्दों में कह दिया कि वो ना केवल पहलवानों के साथ हैं बल्कि वो अपने लेवल पर जो भी हो सकता है वो ज़रूर करने की कोशिश करेंगी। दोस्तों, ये बात बजरंग पूनिया ने कही है मीडिया के सामने आकर, जब पीटी उषा पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंची, पहलवानों के बीच पहुंची, न केवल उनके साथ उन्होंने वक्त बिताया बल्कि उनसे बात की, उनकी शिकायत सुनी और उसके बाद वहां से वो चली गई। तो बजरंग पूनिया ने मीडिया से कहा कि पीटी उषा ने पहलवानों से, खिलाड़ियों से कहा है कि वो उनके साथ हैं, वो पहले एक खिलाड़ी हैं। पीटी उषा ने खिलाड़ियों से कहा कि वो पहले एक खिलाड़ी हैं, बाद में वो कुछ और हैं और वो मामले को देखेंगे, उनसे जो हो सकता है वो ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। बजरंग पूनिया ने इसके बाद ये भी कह दिया कि जब तक बृजभूषण चरण सिंह पर एक्शन नहीं होता है, उन्हें पद से हटाया नहीं जाता है, उनका आंदोलन अभी भी जारी रहेगा। इन सब के बीच दोस्तों, पीटी उषा का इस आंदोलन में पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ध्यान रखिए, पीटी उषा मात्र अब एक पूर्व खिलाड़ी नहीं है, वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं। एक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के बीच जाकर उनसे अगर ये कहती हैं कि वो उनके साथ हैं, वो पहले एक खिलाड़ी है बाद में कुछ और वो देखती हैं कि वो क्या कर सकती है, अपने आप में बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण बयान है। आप ये कह सकते हैं कि इस आंदोलन को सबसे ज़्यादा मजबूती ये बयान देगा, क्योंकि पीटी उषा ना तो कोई राजनीतिक व्यक्ति हैं, ना ही वो फेडरेशन से आती हैं, वो अपने आप में एक पद होल्ड करती हैं। उनका ये कहना कि वो देखेगी कि वो क्या कर सकती हैं, बहुत मजबूती देगा इस आंदोलन को। और जाहिर तौर पर और प्रेशर अब बृजभूषण शरण सिंह पर आएगा कि वो आखिर कब तक अपने पद पर बने रहते हैं। साफ शब्दों में अगर कहें तो पीटी उषा का खिलाड़ियों के समर्थन में खड़े होना ना केवल आईटी सेल की हवा निकालता है बल्कि अंधभक्तों को आईना भी दिखाता है कि एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी के साथ खड़ा होता है तो कितनी मजबूती उसके आंदोलन को मिलती है। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब तो आप करते ही हैं, साथ में हर वीडियो में दिए गए थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल करें।